आप देख रहे हो ऑटोमोबाइल इंसाइक्लोपीडिया। स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। मेरा नाम अभिषेक और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जब भी आप गाड़ी चला रहे होते हैं हाईवे पे, टॉप गियर में, फिफ्थ गियर में, सिक्स गियर की बात नहीं कर रहा हूँ, फिफ्थ गियर में। ज़्यादातर गाड़ियों में फिफ्थ गियर ही होते हैं, लेकिन कई गाड़ियों में जो है सिक्स गियर होते हैं, लेकिन आज फिफ्थ गियर की बात करते हैं। फिफ्थ गियर में चला रहे होंगे और आपको गियर डाउनशिफ्ट करना है और आपने गलती से फोर्थ की जगह रिवर्स में डाल दी गाड़ी, तो क्या होगा, क्या काम, मतलब उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नुकसान आएगा आपकी गाड़ी को, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए गाड़ी के अंदर। इसमें 85 वाला मॉडल, इसमें जो है पाँच गियर है, इसमें 110 PS वाला भी एक वेरिएंट आता है, उसमें सिक्स गियर आते हैं। सिक्स में एक अच्छी चीज़ ये होती है, जब भी आप फिफ्थ और सिक्स डालेंगे तो सिक्स रिवर्स की जगह आता है। ये जो आप गियर देख रहे हैं ये सिक्स स्पीड मैनुअल गियर है, इसमें रिवर्स गियर जो है वो फर्स्ट के पास में है, इसमें एक नॉब दी होती है, उसे उठाकर लगाना पड़ता है। इसमें इससे ये फ़ायदा होता है कि जब डाउनशिफ्ट करेंगे पाँच से चार में आएंगे तो छः लगने पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब रिवर्स गियर जो है वहाँ से हट चुका है। मैं आपको पहले गियर सिक्वेंशन समझा देता हूँ। फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर एंड ये रिवर्स। अब सिक्स गियर वाली गाड़ी में क्या होता है, आपको रिवर्स लगाने के लिए यहाँ पे सिक्स आ जाता है तो आपको यहाँ पर एक नॉब दी होती है, उसे उठाकर इस तरह से डालना होता है फर्स्ट गियर के आगे, तो तब लग जाता है आपका सिक्स गियर, मतलब सॉरी रिवर्स गियर, रिवर्स गियर मतलब यहाँ पे होता है, और सिक्स गियर जो है छठा जो गियर होता है वो रिवर्स गियर की जगह पर होता है। अब बात करते हैं, अगर आपने फिफ्थ गियर के बाद डाउनशिफ्ट करने की जगह चौथे गियर सॉरी रिवर्स गियर लगा दिया तो आपकी गाड़ी को क्या होगा। पहले मैं आपको एक टिप दे देता हूँ, आप जब भी गियर शिफ्ट करें, अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट जो भी शिफ्ट करें, आपको क्लच हमेशा धीरे छोड़ना है, एकदम से क्लच नहीं छोड़ना है, इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। एक जब भी आप मतलब कि जब भी आप क्लच छोड़ें तो धीरे से छोड़ें। मान लो अगर आपने फिफ्थ गियर लगा रखा है, आपको गियर डाउन शिफ्ट करना है, आपने रिवर्स गियर लगा दिया, और अगर आप एकदम से क्लच छोड़ देंगे तो आपको जो वार्निंग लाइट मिलती है, मतलब कि आपको एक वार्निंग लाइट मिलती है आ चुके चलती गाड़ी में फिफ्थ से रिवर्स गियर लगाने पर, वो लाइट जो है आपकी क्लच छोड़ने से पहले आ जाती है। अगर आप एकदम से क्लच छोड़ देंगे तो उस लाइट का कोई फायदा नहीं होगा, मतलब आपको वार्निंग नहीं मिलेगी, आपके जो गियर जो है वो टूट जाएंगे, मतलब कि फॉरवर्ड मोशन से डायरेक्ट रिवर्स में आ जाने से वो जो गियर आपस में टकरा जाते हैं और वो टूट जाते हैं, इससे भारी नुकसान हो सकता है आपकी गाड़ी को। इसलिए आप जब भी गियर शिफ्ट करें आपकी आदत बना दो कि क्लच धीरे छोड़ना है हमेशा, इससे कि आपको टाइम मिल जाता है वापस क्लच दबाने का। जैसे आप क्लच छोड़ देंगे आपके जो है गियर जो बॉक्स है वो टूट जाएगा। अगर आप क्लच धीरे से छोड़ेंगे तो पहले वार्निंग लाइट जाएगी, इससे आपको पता चल जाएगा कि रिवर्स गियर लग गया, इसलिए आप वापस से जो क्लच दबा सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा होता है क्लच धीरे छोड़ने की आदत का। मैंने आपको बता दिया, अगर आप रिवर्स गियर लगा देंगे तो एक बीप साउंड आएगी, और अगर आपने क्लच छोड़ दिया तो आपका जो गियर बॉक्स है वो टूट जाएगा, भारी नुकसान हो जाएगा आपकी गाड़ी को, तो इस बात का ध्यान रखना। और सिक्स गियर वाली जो गाड़ी आती है उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपका रिवर्स गियर इसे उठा के यू डालना होता है, यहाँ पे एक नॉब दी होती है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, और ये जो इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको और कौन सी वीडियो चाहिए इस तरह से ऑटोमोबाइल से रिलेटेड। और अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं ऐसी वीडियो डेली लाता रहता हूँ आपके लिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।